गर्भावस्था के दौरान यात्रा करने से पहले या करते समय किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए आपको सावधान रहना जरूरी है। डॉक्टर साधना विश्नोई हमें बताएंगी कि यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए। गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित यात्रा करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। गर्भावस्था में जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको झटके नहीं लगने चाहिए। जहाँ पर भी रोड बम्पी होती है, अगर रोड पे जक्स लगने के डर हैं, आपको वो रोड अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एक एक करकर हम लेते हैं, रिक्शा मैं बहुत सेफ़ नहीं कहूँगी, क्योंकि रिक्शा में कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं होते। सड़क पर अगर कहीं गड्ढे वगैरह हैं या कुछ हैं तो आपको झटके लगने के डर हैं। स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में अगर झटके लगते हैं तो उससे अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और बाद में प्रेगनेंसी में भी कुछ कुछ ब्लीडिंग होने के ये सब डर रहते हैं। तो झटके वाली रोड पर, गड्ढे वाली रोड पर सफ़र नहीं करना चाहिए। ऑटो रिलेटिवली सेफ़ है, झटके ऑटो में भी लगते हैं। अगर आपको ऑटो रिक्शा लेना ही है तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लीजिएगा, एंड ऑटो वालों को हमेशा सावधान कर दीजिएगा कि भैया थोड़ा ध्यान से चलाएंगे, प्रेगनेंसी है। हाँ, कार वगैरह में आप ट्रेवल कर सकते हैं, कार बस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा लो फ्लोर बसेज लें, एंड बस के टायर वाली जगह जहाँ पे होती है, जहाँ बस का टायर होता है, वहाँ ना बैठें, ताकि आपको झटके कम से कम लगे। कार में जब भी आप बैठते हैं, आप बेल्ट लगाकर बैठेंगे। जो बेल्ट का अपर पोर्शन है वो दोनों ब्रेस्ट के बीच में आना चाहिए, लोअर पोर्शन आपका अक्रॉस द थाई आना चाहिए। ये आपके लिए सेफ है जब आप बेल्ट इस तरह से फसन करते हैं। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर जाएं कि हम लॉन्ग ट्रेवल हमें करनी है, क्योंकि कई प्रेगनेंसी में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें लॉन्ग ट्रेवल बिल्कुल अलाउड नहीं होती, जैसे कि लो लाइंग प्लेसेंटा, उसमें लॉन्ग ट्रेवल हम लोग बिल्कुल मना करते हैं, जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द मदर एंड द बेबी। तो जब भी आप कंसल्ट और एयर, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाएंगे। अगर आप एयर बाय एयर जा रहे हैं तो आपको ये कंसल्ट करना चाहिए कि मैं कब तक कर सकती हूँ। जैसे नॉर्मली डोमेस्टिक फ़्लाइट आपको 36 वीक्स तक अलाउ कर देते हैं आप, और उसके लिए आपको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है कि आप ट्रेवल कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आपको यूजली 28 या 30 वीक्स तक ही अलाउ करती हैं। तो जब भी आप अपनी जर्नी प्लान करें, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बेस्ट रूट आप ए बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय रोड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप रोड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि रोड कहाँ पर, कैसे, कितने आपको इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ जाएं, रोड कैसी है, रास्ते का। कभी कभी आपको पूरी रोड अच्छी होती है, एक छोटा स्ट्रेच ही ख़राब मिल जाता है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी आप जर्नी करेंगे इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमेशा इमरजेंसी में ही जर्नी करेंगे, लॉन्ग ट्रेवल स्पेशली। जब भी आप डेली कम्यूट करते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, तब भी अपना आप मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट देख लीजिए। कैब में यूजुअली आजकल सब ऑफिस गोइंग, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ कैब से जाती हैं, पर कैब दे आर यूजुअली रैश ड्राइविंग होती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना कोई मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते हैं, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो अच्छा है। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।